साथ ही जो अन्ना जी हमारे साथ हैं, थैंक यू। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अन्ना हजारे जी, हम सबसे पहले ये बताएं, आपको मूवीज में दिलचस्पी है? सिनेमा? मैं अभी 40 साल से कोई फिल्म नहीं देखा। बहुत पहले 50-60 साल से पहले कोई भी नया पिक्चर आता है तो फर्स्ट शो देखता था, सेकंड शो देखना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचार मेरे जीवन में आ गए और फौज में गया। फौज के बाद मैं जब वापस आया, अभी 40 साल से मुझे फिल्म देखने का दिल नहीं होता। उसका प्रभाव मेरे जीवन में अलग से हो गया है। विवेकानंद के विचार, समाज की सेवा, देश की सेवा। मेरी उम्र थी 25 साल की, तब मैं मेरे जीवन में सोच रहा था ये क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं। तो मैंने एक दिन सोचा था कि आत्महत्या करना। एक विवेकानंद की किताब मेरे हाथ में आई, जीवन समझ में आ गया कि जीवन सेवा के लिए है। 25 साल की उम्र में, यंग था मैं, तब मैंने तय किया कि जब तक अब जीऊँगा मेरे गांव की, मेरे समाज की और मेरे देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मैं मरूंगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा, ये व्रत लिया मैंने 25 साल की उम्र में, यंग था मैं। आज मेरी उम्र हो गई 79 ईयर, लेकिन आज भी मेरी ऐसी धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, जो आपने फिल्म में देखा है, उदयपुर के जी ने बताया था कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय गांव, समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य है, ऐसे मैं मानता हूँ। आज भी मेरी धारणा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे जैसे एक फकीर आदमी, मैं 45 साल हो गया मेरे घर में कभी गया नहीं, मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपने बैंक बैलेंस नहीं, राष्ट्रपति मुझे पद्मश्री पद्मभूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश अवार्ड मिल गए उसका मैं ट्रस्ट बना दिया। 12-13 लाख रुपया इंटरेस्ट आता है हर साल, दुखी पीड़ित लोग हैं उनके सेवा में लगा देता है, कुछ रखता नहीं। आज सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, मंदिर में रहता हूँ, सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता, कितना आनंद है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे जैसा एक फकीर आदमी है, मंदिर में रहता हूँ, ऐसे फकीर आदमी के जीवन पर मनेंद्र जी को क्या दिल में आ गया कि मैं, ये इतना आसान नहीं है फिल्म निकालना, कई करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है, और मेरे जैसे एक फकीर आदमी पर इन्होंने जो फिल्म बनाया है, ये कोई ना कोई डेयरिंग करना पड़ता है कि मेरा पैसा है सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। तो मेरे सामने प्रश्न है कि मनेंद्र जी जैन, इन्होंने जो ये फिल्म के लिए प्रोड्यूसर के नाते जो खर्चा किया, और शशांक जी एक युवक है, वो जब युवक थे तब मेरा आंदोलन चल रहा था,
और शशांक जी और उनके सभी ये सहयोगी है, इन्होंने ये फिल्म में जो काम किया, मुझे विश्वास हो रहा है। मैं पहले एक मिनट का फिल्म देखा था, अभी ढाई मिनट का हो गया, अभी आगे के लिए अक्टूबर में पूरा फिल्म देखूंगा, लेकिन अभी से मुझे अनुभव हो रहा है कि ये फिल्म बड़ी अच्छी हो गई है। और इन सब कलाकारों ने इसमें जो काम किया है, ये लगन से अपना दिल जान लगाकर जो काम किया है, मुझे विश्वास होता है कि देश के युवकों को एक नई प्रेरणा मिलेगी ये फिल्म देखने से। कहीं लोग अपना भी गांव ऐसा बनाना बोल के स्फूर्ति मिलेगी, उससे ये देश नया देश खड़ा हो जाएगा, ऐसे मुझे विश्वास होता है। तो मैं मनेंद्र जी और सब कलाकार उनके भावी कार्य के लिए, उनके उम्र के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और फिर एक नारा फिर आपको याद दिला देता हूँ, भारत माता की जय। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। शशांक जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में मतलब कई ऐसे मैसेजेस होंगे, अन्ना जी एक इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए, काफ़ी लोगों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा मैसेज जो आप चाहते हैं कि इस फिल्म के ज़रिए हमारी जनरेशन तक पहुँचे, ऐसा कोई एक मैसेज? अन्ना जी का हर पल जो है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अन्ना जी के साथ 5 मिनट अगर वक्त गुजार ले, आपके ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इनके पास देने के लिए इतना अच्छा है। अगर एक बात मुझे पूछी जाए कि अन्ना जी के लाइफ से क्या निकल सकती है, तो मुझे ऐसे लगती है हम सब जीवन में कुछ हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। जो अभी अन्ना जी ने कहा कि सब कुछ जीवन में मेरा 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 मेरा, तो ये जो हासिल करने की जो दौड़ है वो दौड़ गलत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में रह रहे कि जहाँ सफलता पैसा सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन उसका रास्ता जो हम लोगों ने अपनाया है उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि जिसमें जो बाय प्रोडक्ट है दुख है, तकलीफें हैं, ईर्ष्या है, इन चीज़ों से आप बच सकते हो। हम सब लोग शांति की खोज में रहते हैं, शांति हमारे पास रहती है और हम शांति दुनिया में मंदिरों में मस्जिदों में गिरजाघर में और कहीं ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन मस्तिष्क शांत नहीं होगा शांति हमें कहीं नहीं मिलेगी। अन्ना जी का जीवन हमें वो सुख वो शांति वो आनंद की अनुभूति देगा, स्पेशली यंग जनरेशन्स को एक प्रेरणा देगा कि हम जिए तो कैसे जिए। सपने छोटे नहीं देखे, अन्ना जी ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे और उनको अचीव किया है, और उन सपनों को अचीव करने का जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता यूनिक है, वो रास्ता हमारा है, वो रास्ता हमारे पूर्वजों ने, गांधी जी ने सिखाया था, विवेकानंद जी ने सिखाया था, जिसको हम अभी पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भूलते चले, जिसको उधर के लोग अपनाते चले हैं, वो रास्ता अन्ना जी का फिर से हमने रिवाइव करने की कोशिश की है। लाखों लोगों के बीच में अन्ना जी गए, आंदोलन चलाए, बहुत लोगों से मिले, आपको वही सीन्स रियल लाइफ में ऐसे शूट करने में आपको डिफिकल्टी फेस हुई? जब फिल्म लिख रहा था मैं, सो वही से मेरे रोंगटे खड़े होते थे कि जब मैं सीन लिखता था कि अन्ना जी कुछ बातें कर रहे हैं रामलीला पे, तो मैं सोचता था कि ये मैं कैसे इनैक्ट कर पाऊँगा। मेरे बहुत से दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो कैरेक्टर करने की सोच रहे हो उससे पहले 1000 बार सोच लो, क्योंकि जितने बड़े कैरेक्टर्स अभी तक पोर्ट्रे किए गए हैं उनको जनरली लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। गांधी जी को हमने पर्सनली, हमारी पीढ़ी ने देखा नहीं था, और भी जो बायोपिक्स बने उनको बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन अन्ना जी की हर व्यक्तित्व से हम लोग अच्छे से वाकिफ है कि अन्ना जी चलते कैसे, अन्ना जी कैसे बोलते, अन्ना जी का मतलब हर चीज़। और एज ए एक्टर 3 चीज़ें मुझे बड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी, किसी भी एक्टर के लिए बहुत ही मतलब एक ऐसे एक्सप्रेशन पोर्ट्रे करना बहुत आसान है जिसमें बहुत एंगर हो या बहुत हंसी हो, लेकिन अन्ना जी की सिंप्लिसिटी को मैच करना बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब एज एन एक्टर अन्ना जी की जो सिंप्लिसिटी है
उसको मैच करना मुझे एक टफ काम था। फिर इस एज में 80 साल का एज का अन्ना जी का कैरेक्टर करके वो कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट था। तो एक तो मेंटल प्रिपरेशन उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी थी कि मैं मेंटली उस सोच तक पहुंच पाऊँ। दूसरा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स थी। सो जब हम मिलिट्री का हमने पोर्शन शूट किया तो उसके लिए मैंने अपना वज़न 6-7 किलो कम किया था। और मतलब उल्टा हुआ है, जब अन्ना जी का यंगर एज में पोर्ट्रे कर रहा था तो मैं अनशन पे था, 6-8 महीने रोटी सब बंद। और जब अन्ना का अनशन वाला रोल मैं कर रहा था तो मैं इतना खा रहा था, मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी खाया नहीं, बिकॉज मैंने वो अपना वेट 70-72 केजी तक ले जा के रख दिया था। सो कुछ फिजिकल कुछ मेंटल, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत टफ था ये काम। अभी आप लोग जज कर सकते हैं कि मैं अपने आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस? पहले तो अन्ना जी को सच सच प्रणाम। मुझे जब बुलाया गया इस फिल्म के लिए तो शशांक जी ने कहा कैरेक्टर है सच बहुत बड़ा नहीं है, एक कैरेक्टर है जो एक ईमानदार अफसर है, अगर वो इस अन्ना जी के जीवन में नहीं होता तो आज अन्ना जी जहाँ तक पहुँचे हैं वो पहली सीढ़ी थी, वो नहीं पहुँच पाते। तब जब इन्होंने ये कैरेक्टर सुनाया तो मैंने कहा आगे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का रियल करेक्टर जो कभी घटा है उनके जीवन में, जो उनसे जुड़ा रहा है, और उस करेक्टर ने अन्ना जी की मदद करी, तो एक ईमानदार करेक्टर है। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और अब सब आप लोग देखेंगे कैसा हुआ है। और मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ईमानदारी से ये फिल्म बनाई गई है, सभी ने, सारे टेक्नीशियन सारे एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है। और कड़ी धूप में, गर्मी में, बरसात में, हर तरह से सबने झेल के इस फिल्म को अंजाम दिया है। मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ हैं, जैसे सारी फिल्में सब लोग देखने जाते हैं, जिस इरादे से ये फिल्म बनाई गई है कि यंग सारे यूथ सारा देखे, तो प्लीज़ देखे, तभी तो कुछ कहेगा, तभी तो कुछ बोलेगा। तो पहली सीढ़ी है देखना, तो आप प्लीज़ देखें और इसको एक अच्छा अंजाम मिले। थैंक यू वेरी मच। मनिंदर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पुनः सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा मेरे साथ जो को प्रोड्यूस किए हैं इस फिल्म को, पता नहीं उसको दिखाई नहीं पड़ पा रहा है, शोभित जी, शेखर जी, मेरा बेटा और अनिरुद्ध, इन चारों लोगों ने मेरे साथ तन मन धन से इस फिल्म में मेरा साथ दिया है, मैं उन सबका आभारी हूँ। और जिस लक्ष्य को लेकर ये फिल्म बनाई हुई है, देखिए यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, चाहे किसी फील्ड से हों, मैं भी तरह तरह के बिजनेस में हूँ, लेकिन लक्ष्य सबका क्या होता है कि देश का यूज, या हम देश के लिए कुछ भी कर पाएँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी बैठे हों, चाहे कोई भी फील्ड के हों, हर कोई चाहता है कि अगर देश पर कोई आपत्ति आती है तो वो भी जाए। कल अन्ना जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि आज 79 ईयर्स की उम्र में भी मुझको अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कल अन्ना जी ने बोला, आज भी ABP पे हमारे इंटरव्यू में भी बोला अन्ना जी ने। तो ऐसी जो भावना जिसकी है उसका हम पर थोड़ा सा भी असर पड़ जाए तो हम लोग अपने को धन्य मानेंगे। यहाँ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मेरे बड़े भाई श्री रविंद्र जैन जी, संगीतकार जो अभी संसार में फिजिकली नहीं है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, और उनका बहुत बड़ा मुझे आशीर्वाद मिला जब हमने इस फिल्म को बनाने की सोची 2014 में। तो रविंद्र जी ने सबसे पहले सुनने के बाद दो लाइन बोली थी मुझको सुनते ही, कोई तो है जो देश की चिंता करता है अन्ना जी के लिए, और कहा था कि तुम इस फिल्म को बनाने के लिए हाँ करो। तो मैं उनके लिए भी आज नमन करता हूँ, वो हमारे बीच में नहीं है, और इस दोनों गाने जो उन्होंने इसके लिए रिकॉर्ड किए हैं, ये अन्नपूर्णा धरती और एक मिलिट्री के ऊपर, जब अन्ना जी ने कभी कभी पीना पड़ता था वहाँ पे, ऐसा वो सीन भी हम लोगों ने दिखाया है जब अन्ना जी ने रम पी ली थी वहाँ पे, उसमें मिलिट्री में रहते हुए। तो ऐसी सब बातें जो अनटोल्ड स्टोरी हम जीवन की बोलते हैं, कि
अन्ना जी का एक ही रूप नहीं है, अन्ना जी के इतने सारे रूप हैं बचपन से लेके आखिर तक अभी तक आप देख रहे हैं। और आज भी अन्ना जी, मैं सुबह चर्चा कर रहा था, बोल रहे थे अगर ज़रूरत पड़ी तो आज मैं फिर आंदोलन करूँगा, ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं सेना में लड़ाई के लिए जाऊँगा। तो मैं अन्ना जी को नमन करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ अन्ना जी का कि अन्ना जी ऐसे व्यक्तित्व के साथ मुझको काम करने का मौका मिला और मेरा कुछ पैसा इस कार्य में लगा, ये मेरे लिए बहुत बहुत पुण्य की बात है। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग इस पिक्चर को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें। देखिए आप सभी लोग हर तरह की फिल्में देखते हैं, 99% फिल्में होती हैं जिसमें हम लोग नाच गाने और वही सब काम देखते हैं, प्यार मोहब्बत सब चीज़ें, लेकिन 1% वाली फिल्म को आप ज़रूर देखें। और मीडिया के सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप सभी लोग इस फिल्म के लिए जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी करें और हमारे यूथ तक इसको पहुँचाएँ, घर घर तक पहुँचाएँ, तो मैं सभी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनाओ भी, ओपन है फॉर मीडिया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। शूटिंग के वक्त एक साथ दो दो जिम्मेदारियां निभा रहे थे आप, एक्टर डायरेक्टर, तो कितना आसान था कितना मुश्किल था आपके लिए? डेफिनेटली एज अ डायरेक्टर इट्स अ फुल टाइम जॉब। जब आप एज अ डायरेक्टर काम करते हो तो एज अ एक्टर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा आपका लैप्स होने के चांसेस होते हैं। मैंने 10 बार सोचा था कि ये काम कैसे करना चाहिए, लेकिन जब मैं ये फिल्म लिख रहा था, अन्ना जी की स्टोरी समझ रहा था, अन्ना जी ने एक अकेले दम पे इतना बड़ा इतिहास जब बना दिया, तो मैंने सोचा जिस आदमी पे फिल्म कर रहा हूँ अगर वो फिल्म ईमानदारी से पहुँचानी है तो मुझे उस फिल्म को, अगर मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर जस्टिफाई कर सकता हूँ तो मुझे ये काम ज़रूर करना चाहिए। और बिकॉज वो कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स था कि बहुत एक एक्टर को डेडिकेटेडली उतना टाइम देने का ज़रूरत थी उस कैरेक्टर के लिए। सोच आसपास अन्ना जी तक पहुंचने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर अगर मैं करता हूं तो जस्टिफिकेशन मैं दे पाऊंगा, और यही रीज़न था कि मैंने ये सोचा कि एज एन एक्टर और डायरेक्टर मैं ये काम करूं, और मुझे लगता है कि मैं ठीक से नहीं पा पाया। एक प्रश्न अन्ना जी से है मेरा। अन्ना जी आपके सामने अन्ना जी रितेश ईटीवी से, जिस तरह की उनको बता दीजिएगा मैं जो पूछ रहा हूँ सर को, जिस तरह की लॉ आपने जगाई थी 2011 में, जिस तरह से जन लोकपाल की बात थी और अरविंद केजरीवाल के इंटरफेरेंस की वजह से चीज़ें हो नहीं पाई, तो कितनी कसक आपके मन में है जन लोकपाल को लेकर? नहीं, उसका कारण यह है कि आखिर सरकार होती है, उनके दिल में ये बात आना जरूरी होती है। पहले सरकार थी, करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए मैंने वो आंदोलन शुरू किया था। मुझे लग रहा था क्योंकि वो आंदोलन से मेरे लिए, सिर्फ मेरे अकेले के लिए कोई दुष्परिणाम नहीं थे, सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, पारिवारिक लोगों को जीना भी मुश्किल हो रहा था। और मैंने तो अपने जीवन में यह तय किया था कि जब तक जीऊँगा गांव, समाज और देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मरूँगा तो सेवा करते करते मरूँगा। तो लोगों का दुख मुझे सहन नहीं होता था। ये सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं, मैं मेरे जीवन में 16 बार अनशन किया, 16 बार हमेशा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 8 साल लड़ा मैं, 8 साल सिर्फ जनता के हित के लिए, जनता के भलाई के लिए, अखिल सरकार को कानून बनाना पड़ा। तो ये जो बातें हैं सरकार ने दिल में लाया तो ये हो सकता है। अभी लोकपाल का कानून बना, लोक आयुक्त का कानून बना, उसका अमल करना जरूरी है, अभी सरकार नहीं कर रही है। फिर भी मैं अभी, मेरा उम्र हो गया 79 ईयर, आज फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार रामलीला मैदान, फिर से एक बार। अन्ना अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी जो हालात हैं दिल्ली में, जो उनके सारे मंत्री अलग अलग तरीके से घेराव में हैं, इस परिस्थिति को देख करके क्या कहना चाहते हैं, जहन में क्या आता है आपके? जो केजरीवाल के 3 मंत्री जो अभी समस्या आ गई उसके बाद,
ये दुर्भाग्य है मेरा। अरविंद मेरे साथ कई सालों से रहा, उसका त्याग मैं देख रहा था, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण मैं देख रहा था। मुझे लग रहा था कि देश के लिए एक अच्छा काम करने वाला आदमी है, लेकिन जब ये आंदोलन हुआ और आंदोलन के कारण ये लोकपाल का कानून बन गया, पूरा देश खड़ा हो गया। न जाने उनके दिल में क्या गया, मुझे मैं नहीं जानता, क्योंकि भगवान ने एक बात अच्छी बनाई है, आपके दिल में क्या है मुझे समझ में नहीं आता और मेरे दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आता। तो उनके दिल में क्या था मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि एक सत्ता सर में जाने के बाद ये हुआ क्या क्या सत्ता। और मैं उनको पूछ रहा था कि तू पार्टी निकाल रहा ना, निकाल, मेरा आपका रिश्ता नहीं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मैं तो गांधी जी के मार्ग से जाऊंगा आंदोलन, आपको पार्टी निकालना तो निकालो। तब मैंने उसको एक प्रश्न किया था कि आप पार्टी बना रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है नहीं है, उसका आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है और अपमान सहन करने की शक्ति है, ये पार्टी में आने वाले जो लोग हैं उनकी खोज करने का आपके पास क्या तरीका है, वो जवाब नहीं दे पाया था मुझे। और आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि 6 मंत्री में 3 मंत्री निकालने की नौबत आ गई, क्योंकि खोज करने का तरीका नहीं था, इसके कारण ऐसे मंत्री भी बीच में आ गए थे, तो ये उसको दुष्परिणाम हो गया। लेकिन अभी वो आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, वो 3 मंत्री चले गए और MLA कितने गए, MLA भी उनके ऊपर एक्शन हुआ, जेल में गए। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बड़े सपना देख रहा था, ये मेरा सपना टूट गया। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि एक अच्छा आदमी, अगर हमारी टीम अगर होती ना, अरविंद और हमारी टीम 2011 से पहले से जो चली आ रही थी, वो टीम अगर ना टूटती और ये टीम बने रहते, तो आज देश का नक्शा बदल जाना था, ऐसा मुझे विश्वास है, देश का नक्शा बदल जाना था, सिर्फ टीम नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन टूट गए हो। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे देश के लिए। अन्ना, आपने सेना के साथ भी, भारतीय सेना के साथ भी काम किया है, युद्ध में आप लड़े भी हैं, तो अभी जो हालात हैं देश में और पाकिस्तान बार बार वही कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से युद्ध के हालात नज़र आते हैं आपको देश में? नहीं, क्या है कि पाकिस्तान और भारत ये पड़ोसी देश है, दोनों देशों ने पड़ोसी धर्म को निभाना जरूरी है। पड़ोसी धर्म क्या कहता है, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना, ये हमारा पड़ोसी धर्म कहता है। 65 की लड़ाई हुई थी, उस टाइम पर भी पाकिस्तान ने अपना होकर मोल ले लिया। मैं 65 की लड़ाई में था, खेमकरण के सीमा पर मैंने देखा था वहाँ पर भी, और हमारे जो बॉम्ब थे वो लाहौर में जाकर गिरते थे, इसलिए पाकिस्तान उधर ही रुक गया और सीज फायर के लिए आग्रह किया। अभी उनको पता है कि भारत की शक्ति क्या है, अभी उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था कि बार 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 ये जो हमारे अतिरेकों को भेजना और हम पीछे से खड़ा होना और तकलीफ देना, ये ठीक नहीं है। दोनों देशों के लिए लड़ाई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी धारणा है, अगर पाकिस्तान नहीं मानता, सलोखा नहीं जानता और
समय आ गया लड़ाई करना, तो मैंने अभी भी बोला था कि 79 ईयर के मेरा एज है, फिर से एक बार बॉर्डर पर जाऊंगा, लड़ूंगा मैं। स्मॉल अर्जेंट अनाउंसमेंट, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिक टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मूवी, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, थैंक यू। आपने कई सवाल पहले ही पूछ लिए हैं, तो वो सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए हम लोग कुछ अलग सवाल भी पूछ रहे हैं। अन्ना साहब, आपको एक होटल में रुकने को कहा गया था, लेकिन आपने मंदिर में रहना स्वीकारा, इसके पीछे की क्या वजह है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तुम्हाला हॉटेल मध्ये थांबायला सांगितलं होतं, पण तुम्ही तुम्हाला हॉटेल मध्ये थांबायला सांगितलं होतं, पण तुम्ही मंदिरात थांबलात, का कारण? हॉटेलच्या ऐवजी मंदिरात थांबला तुम्ही। हॉटेल मध्ये कुठे? नाही, मंदिरात थांबले ना आपण, हरे राम हरे कृष्ण, का म्हणजे हॉटेलच्या ऐवजी? नाही नाही, वो क्या है, मैं तो हॉटेल में जाता नहीं, अभी इतना घूमता हूँ लेकिन हॉटल में खाना भी नहीं खाता, क्योंकि ये सब इधर का चम्मच उधर, उधर का चम्मच इधर जाता है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है। अभी मनेंद्र जी ने एक पवित्र जगह बोल के उधर मेरी व्यवस्था की थी, मेरा और आश्रम, ये अभी तक मैं बहुत दिन पहले एक बार आया था, फिर से अभी मैं आया नहीं था, लेकिन मनेंद्र जी ने इधर रुकना है बोल के मेरे उधर रहने के लिए सुविधा की थी, इसलिए मैं वो वहाँ पर रुक गया था। एक अच्छा पवित्र जगह है। हेलो अन्ना जी, मेरे काबिल दोस्त ने अभी आपसे पूछा भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर, उरी एनकाउंटर के बाद भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है उससे आप कितने खुश हैं? पुरीवर जो हमला झाला होता, पुरीला पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी जो हमला केला, त्याच्यावर भारत सरकारने जी प्रतिक्रिया दिली आहे, त्याच्यावर तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? काय प्रतिक्रिया दिली तुम्हाला? नाही, अभी उरी में मैं रहा है, कश्मीर में मैं 2 साल कश्मीर में रहा है, श्रीनगर से आगे मैं मेरा यूनिट था, और ये उड़ी पुंछ बारामुल्ला यहाँ पर मैं हमेशा उस एरिया में जाता था। अभी जो उरी में हमला किया, ये भ्याड़ हमला है, निष्पाप लोगों को आप गोली चलाते हैं, क्या उनका कसूर है? हाँ, हम लड़ते लड़ते एक दूसरे पर गोली चल गई तो बात अलग है, लेकिन सोए हुए लोगों पर गोली चलाते हैं, तो ऐसे स्थिति में सरकार ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, मैं उसका समर्थन करूंगा। और सर, यहाँ पे भारत में एक पॉलिटिकल मुंबई महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? जी मनते कि भारत पाकिस्तानी कलाकार भारत काम करूँ नहीं। नहीं, ऐसा है, कलाकार का रिश्ता अलग होता है, कलाकार ये कलाकार होते हैं, एक आदमी किसी देश का है, कहाँ का है, लेकिन उसका कला का दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलते रहते हैं। लड़ाई और कला, इसमें थोड़ा फर्क करना चाहिए, जो कला है वो कला ही रहनी चाहिए। हाँ, मैंने जो कहा कि अगर नहीं बात जाता तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार रहूँगा, कि 79 साल के इसमें, लेकिन कला जो है ना, कला के बारे में हम नफरत नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो अन्ना, अन्ना जी, आपने कहा कला को लेकर नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भारत में आकर पाकिस्तानी कलाकार पैसा कमा रहे हैं, तो कम से कम पाकिस्तान को भी लिबरल होना चाहिए, उनके लोगों को भी लिबरल होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके लोगों को रेवेन्यू जनरेट करा रहा है, तो आपसी रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से अच्छाइयाँ होती हैं, वो अच्छाइयाँ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? नहीं, अगर कला है, कलाकार है या कला है, वो हमारे देश में आकर गलत रास्ते से जा रहा है, तो फिर हमें सहन नहीं होगा, उसकी कला का दुरुपयोग होता होगा, समाज के लिए नुकसान होता होगा, राज्य के लिए नुकसान होता होगा, देश के लिए नुकसान होता होगा, तो हमें मंजूर नहीं, फिर वो मंजूर नहीं है।
अन्ना जी, इलेक्शन के पहले कैंपेन चला था, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आपको लगता है वाकई बीजेपी अच्छे दिन ले आएगी? बीजेपी मानो जो इलेक्शन से आगोदर अच्छे दिन आएंगे। मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा पता है अच्छे दिन कितने आ गए और कितने नहीं आए। फिल्म के दौरान काफ़ी वाकयात हुए हैं कि जो सच में हमारे, मतलब जैसे अन्ना जी ने अभी कहा कि अन्ना जी कश्मीर, लद्दाख, काफ़ी जगह पे काफ़ी साल अन्ना जी ने बिताए हैं। तो जब हम लोग इस फिल्म के वो सीन्स शूट कर रहे थे तो हमारे पास समय काफ़ी कम बचा था। दो दिन में हमको काफ़ी काम निकालना था और वहाँ का वेदर बहुत बुरा हो गया था। अराउंड -18 डिग्रीज वहाँ चल रहा था और जहाँ पे हम लोग कमिट कर चुके थे लोकेशंस, वहाँ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हम लोग लिटरली सुबह 4:30 बजे उठ के सारा क्रू अपने अपने कंधे पर, इवन मतलब जो कैमरामैन थे हमारे सुरेश देशमाने जी, वो भी एक सामान अपने कंधे पर उठा के निकलते थे। हम एक्टर हैं, हम भी मतलब सारी की सारी क्रू कंधे पर सामान लेके निकलती थी और हम 8:30 बजे सेट पे पहुँचते थे, शूट करना शुरू करते थे। आखिरी दिन ये कंडीशन आ गई कि 1 बजे के बाद वहाँ के लोकल लोग बोले, सर आप यहाँ से निकल जाइए वरना अगर आप फंस गए तो आप लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन हम लोग अन्ना जी के प्रेरणा से इतने प्रेरित थे कि हमने सोचा कि ये पूरा सीक्वेंस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। तो हमने अराउंड 5:30 बजे वो सीक्वेंस कंप्लीट करके जब हम बाहर निकले और मैं होटल पे आया, मुझे ऐसी फिर से इच्छा हुई कि मैं एक बार उस, बहुत खूबसूरत दिख रहा था क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़ोरों से हो रही थी और तब तक -22 डिग्री वहाँ पे हो चुका था, तो मैं एक बार जाके फिर से उस लोकेशन को देख के आता हूँ। जब मैं उस लोकेशन पे वापस गया तो ड्राइवर मुझे जाने की सलाह नहीं दे रहा था और जैसे ही हम आगे पहुँचे तो वो गाड़ी इस तरह स्किड होना शुरू हो गई कि वहाँ से बड़े मुश्किल से हम वापस आ पाए थे। अगर आधा घंटा और लेट हम शूटिंग करते तो हम लोग मुश्किल में फंस सकते थे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था और अन्ना जी का आशीर्वाद था कि हम वो शूटिंग भी ठीक से कर पाए। दूसरा गाना हम लोगों ने शूट किया था जब अन्ना जी ने गाँव में पहुँचने के बाद अन्ना जी ने स्ट्रगल शुरू किया था और एक मुहिम पर अन्ना जी की जो भी विचार थे उनको गाँव ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे रविंद्र जैन जी ने एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है जो पिछले 10-15 साल में आपको सुनने नहीं आया होगा, बहुत ही मतलब जो गाने हम पहले सुना करते थे, मीनिंगफुल येट मेलोडियस, वो गाना हमको 48 डिग्री में शूट करना था। मेरे कुछ एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स थे, वो मुझे मजाक में बोलते थे, भाई एक काम कर, आधा पेमेंट कट कर दे लेकिन इस गाने से हमको निकाल दे, क्योंकि वो पूरा बैरल लैंड था। उस लैंड में एक भी मतलब बिल्कुल गंजा जगह थी, 48 डिग्री, वहाँ पे वैनिटी नहीं पहुँच सकती थी। आप जब सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच गए तो देन आपको शाम को 6 बजे तक शूटिंग करनी है, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी हमारे लिए, लेकिन हमने काफ़ी एंजॉय किया हर मोमेंट। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, मेरा सवाल डायरेक्टर साहब आपसे भी है, अन्ना जी से भी है। अन्ना जी नमस्ते। और सर सवाल ये है कि मेरा, कि अन्ना जी ने पिक्चर को देखा नहीं है अब तक, क्या पिक्चर रिलीज होने के पहले आप उनको पिक्चर बताना चाहोगे? और दूसरा सवाल अन्ना जी से भी है, क्या अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनल सीन होगा क्या आप उसको कट करना चाहोगे? हाँ, अभी तक अन्ना जी ने फिल्म नहीं देखी, लेकिन फिल्म की सब्जेक्ट्स ऑलवेज मैं अन्ना जी से, मैं अभी मतलब 2012 से हमने ये फिल्म लिखना शुरू की है और 2015 में हम सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुँचे कि यस, ये स्क्रिप्ट अन्ना जी की लाइफ को जस्टिफाई कर सकती है, तो हमने कोई भी चीज़ घाई में नहीं की है और उस कंसेंट के बाद में हम फिल्म करते आए। फिर भी अभी अन्ना जी फिल्म देखेंगे, अन्ना जी का जो भी बात होगी वो हमारे लिए आदेश होगा, उसके बारे में हमको, हमारे दिमाग में कोई दो राय है नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये फिल्म इतने बेहतरीन ढंग से लिखी गई है कि इसमें ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव झरना है। आप आइए उस झरने में 60 साल के हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर देखिए और अपने आप को उसमें जज करिए। इसमें हमने कोई भी मतलब मैं वो वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना चाहता यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म, इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म ऑन अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और वो जर्नी अन्ना जी की जो किसी ने देखी नहीं, कि एक आदमी अगर सोच ले, ठान ले तो क्या हासिल नहीं कर सकता। शशांक ओवैया, टू योर सेंटर, कैन वी एक्सपेक्ट टू सी सम एलिमेंट्स ऑफ अरविंद केजरीवाल इन द मूवी? जो
रामलीला मैदान में जो जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल साथ में जब अनशन किया था उन्होंने, तो वो एलिमेंट्स फिल्म में नजर आने वाला है कहीं ना कहीं? इट्स अ फिल्म अबाउट अन्ना हजारे. आई डोंट नो व्हाई आज अरविंद केजरीवाल एवरी टाइम आ जाते पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ही वाज देयर टू सपोर्ट. नहीं, आई नो दैट, बट अरविंद अन्ना जी की लाइफ में और भी बहुत बड़े बड़े लोग आए अन्ना जी की लाइफ में. बिकॉज मे बी आपको वो इंसिडेंट्स पता है, अन्ना जी, हमने अन्ना जी की 60 साल की जर्नी इस फिल्म में लेके आए हैं. जर्नी के दौरान जो भी व्यक्तित्व अन्ना जी के लाइफ से आके गुजरे हैं, वो व्यक्तित्व को जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस हमने दिया है. माई फिल्म इज़ अबाउट अन्ना, अन्ना जर्नी. उसके उस जर्नी के दौरान जो भी पड़ाव आते रहे, वो पड़ाव आते गए और जाते रहेंगे. कॉन्फ्लिक्ट दिखाए जाएंगे अन्ना जी और उनके बीच में जो हो रहे थे, और इसका एंडिंग कब तक है, मतलब 2011-12 कब आप एंड कर रहे हैं? कुछ तो चीज़ें फिल्म देख के भी आपको गेस करनी पड़ेगी. अन्ना, मेरा सवाल अन्ना जी से है. अन्ना जी, जिस प्रकार देश के सामने कई सारी समस्याएं, कई सारी समस्याओं के बारे में आपने जंग भी छेड़ी थी और कामयाबी भी हासिल हुई है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में एक नई समस्या उभर के आ रही है और जिसके लिए मराठा समाज द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, किस कदर देखते हो आप इस आंदोलन की तरफ? अन्ना जी कोई कॉमेंट्स नहीं करना चाहते. एकंदरीत राज्यभरातून कुपोषणाचे बरेच आपल्याला किस्से ऐकायला येतात इथे इथे उजवीकडे इथे. हां, एकंदरीत आपल्याला राज्यभरातून असे अनेक कुपोषणाचे किस्से समोर येत आहेत, त्याच्याविषयी तुमची काय भूमिका आहे? माझी, अण्णांची, राज्यात कुपोषणाचे खूप हॅलो ऐकायला येत आहेत, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काही कुपोषणाच्या बाबतीत एक फकीर माणूस काय बोलणार ज्याच्याकडे. पण एक आहे, मानवतेच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याच्या 69 वर्षानंतर या देशात कुपोषणाची समस्या वाढणं ही दुर्दैवी बाब म्हणावं लागेल. राज्यकर्त्यांनी याच्यावर गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे की कुपोषण वाढू नये. खास करून ही जी बालकं आहेत ही आमची राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिचं जतन करायला पाहिजे, म्हणून याचा विचार राज्यकर्त्याने करणं आवश्यक आहे असं आम्हाला वाटतं. सो थँक्यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थँक्यू सो मच फॉर शोईंग युअर प्रेझेन्स हियर. सो नाऊ वील हॅव द पिक्चर्स. थँक्यू सो मच टू एव्हरीवन. दो मिनट लूंगा मैं आपको, अपने टेक्नीशियन टीम्स के भी मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं जिन्होंने इस फिल्म को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है. यस यस, रिकॉर्ड करो ना, मैं निकाल देता हूँ. Thank you.